किस तरीके से सवाल हुए, पुलिस की लापरवाही पर सवाल हुए, जब एक लेटर के जरिए, पत्र के जरिए कह दिया गया कि ये अपराधी है, ये खतरनाक है, उस पर आपने कार्रवाई नहीं की। किस तरीके से इस मंच पर सवाल हुआ जिसका अब असर हो रहा है, दिखा रहे हैं आपको। अनंत देव कप्तान थे कानपुर के, क्या क्या उन्होंने, और मजे की बात ये देखिए, करेला और नीम चढ़ा, वही अनंत देव एसटीएफ में इस जांच के इंचार्ज हो गए, जो खुद कटघरे में खड़े। अभी मैं वो कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। अभी कानपुर में जय वाजपेयी नाम का एक अपराधी पकड़ा गया है, वो कुछ साल पहले पुतैया था। पुतैया जानते हैं उत्तर प्रदेश में लोग, दिल्ली में तो उसको पेंटर बोलते हैं, वो यूपी में पुतैया बोलते हैं। पुतैया था, अरबोपति हो गया, ऑडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज में चलने लगा, वो विकास के पैसे को बाजार में लगाता था। अनंत देव की बिल्कुल निहायत निकट संबंधों वाले चित्र, प्रभात भाई सब लोग विंडो को देखिए, उसमें तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। जय वाजपेयी जो आज गिरफ्तार हुआ है, उसके साथ डीआईजी एसटीएफ अनंत देव तिवारी जो कानपुर के कप्तान थे उस वक्त, देखिए तस्वीरें जरा, पता लगेगा कैसा याराना था। कंधे पे हाथ रखे है बाबरदी एसएसपी के, एक अपराधी कप्तान बाबरदी हो, स्टार लगे हो और कंधे पे हाथ रख दे। तो महापंचायत के मंच पर सवाल उठा और ये कहा गया कि जिस तरीके से सरपरस्ती रही, जिस तरीके से दोस्ताना रहा, और वही लोग आप जांच करेंगे तो इंसाफ कैसे होगा। लखनऊ से हमारे सहयोगी गगन मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। गगन, एक खबर को इस मंच ने जगह दी, आवाज को उठाया गया और असर इस तरीके से हुआ कि अब मुरादाबाद भेज दिए गए अनंत देव तिवारी। देखिए प्रभु, पंकज ही ये बता रहे थे महापंचायत में, अमिताभ सर ने भी ये सवाल उठाया था कि आखिरकार ऐसे अधिकारी जिसकी संलिप्तता विकास दुबे के करीबियों के साथ हो, वो आखिरकार डीआईजी एसटीएफ कैसे रह सकता है, वो भी तब जब पूरे मामले की जांच एसटीएफ कर रही है। अब आर9टीवी लगातार इस बात को उठा रहा था, वो तस्वीरें दिखा रहा था कि किस तरह से जय अनंत देव के कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचवा रहा है। एक नहीं दो नहीं, करीब एक दर्जन फोटोएं अनंत देव की इसी तरह सामने आई थी। उसी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इतना बड़ा फैसला लिया है जिसमें अनंत देव को डीआईजी एसटीएफ के पद से हटाकर पीएसी भेज दिया है, क्योंकि अगर अनंत देव उस पद में रहते हैं तो उस यूनिट में रहते तो यूनिट एक पारदर्शिता से कार्रवाई नहीं कर सकती थी उस पुलिसकर्मियों के खिलाफ, उस दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ जिसकी पूरी कानपुर कांड में महत्वपूर्ण भूमिका हो। तो बिल्कुल बड़ा एक्शन है योगी सरकार का, और साफ तौर पर आर9टीवी की खबर पर संज्ञान लिया है योगी सरकार ने और अनंत देव को उनके पद से हटा दिया गया है। और दूसरी बात, पंकज, जिस तरह से एसटीएफ में एसएसपी का पद काफी समय से खाली था, उसको भी इस बार भरने का काम किया गया है। अब की डीआईजी ना रखकर एसएसपी एसटीएफ को सुधीर कुमार को बनाया गया है, तो साफ तौर से एसएसपी के लिए मांग थी एसटीएफ को, बिना मुखिया के चल रहा था एसटीएफ, तो अब एसएसपी बनाया गया। और साफ तौर पर अनंत देव को पीएचसी भेजकर योगी सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि अब वो अधिकारी को बख्शने नहीं वाले हैं, और अगर जिस तरह से आईजी जोन लखनऊ जांच कर रही है तो वो जांच में दोषी पाए जाते हैं तो उन पर निलंबन तक की बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। चलिए, नजर बनाए रखिएगा गगन, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।